हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलो आज फिर एक नए दिन की शुरुआत करते, आपसे कुछ बात करते, आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें आप लोगों से शेयर करते। तो आज मैं इस रूम में रुका हुआ था नाइट पे, तो अब यहाँ से रूम को बाय बाय बोल के यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, जो कि इसमें पूरा सामान रख लिया है दोनों बैगों में। बस मुझे हेलमेट अपने बैगों को साइकिल में बांधना है और यहाँ से निकलना है। तो चलो अपनी साइकिल लेके फिर बांध। दोस्तों मैं अभी सेल्लारी गेट पहुँच गया हूँ, जहाँ रुका होता वहाँ से समथिंग 1 किलोमीटर की दूरी में था गेट। तो मैं तो छपारी नहीं करूँगा, मैं तो गांव में ज़्यादा विजिट करने आया हूँ। तो सामने में है सिल्लारी गांव, और तो फाइनली मैं गेट में तो घूम के अब मुझे निकलना है यहाँ से चोर बावली गेट। अभी मैं सिल्लारी से समथिंग 5 किलोमीटर आ गया हूँ और मुझे गेट मिला, जो कि मैं सिल्लारी जंगल से और गेट से बहुत दूर आ गया हूँ। बस यहाँ से हाईवे समथिंग 2-3 किलोमीटर दूर होगा, निकलते सीधे हाईवे पौनी में और वहाँ से चलते सीधे चोरबावली। अभी मैं हाईवे में पहुँच गया हूँ और मुझे जाना है इस साइड, और ये जाएगा सीधे खवासा सिवनी जबलपुर। इसी रास्ते से मुझे करीबन 10-12 किलोमीटर जाना है और फिर चोर बावली गेट आ जाएगा। तो उस गेट में विजिट करके फिर मैं निकलूँगा सीधे यहाँ से मनसर और रामटेक। तो आज रामटेक में रुकेंगे। बेस्ट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, मऊडी गेट, सिल्लारी गेट और चोर बावली गेट। चोर बावली आगे है, सिल्लारी गेट पीछे चले गया और मऊडी गेट पीछे चले गया। तो मुझे इसी रास्ते से जाना है, जो कि चोर बावली। नागपुर यहाँ से 49 किलोमीटर है, कन्याकुमारी 1650 किलोमीटर है के आसपास। चोर बावली प्रवेश द्वार 1 किलोमीटर नागपुर। यहाँ से मेरे को अंदर जाना है। तो ये है चोर बावली गेट। और भाई मेरे को इधर से आना था, तो मैं कितना घूम के आया। ये रहा चोर बावली गेट, जहाँ पर मैं मेरी साइकिल के साथ पहुँचा। सुबह था मैं सिल्लारी गेट पे, अभी मैं चोर बावली गेट पे हूँ। अब यहाँ से मुझे निकलना है सीधे, यहाँ से चोर बावली गेट से सीधे रामटेक, पहले मनसर फिर रामटेक। रामटेक के राम मंदिर में आज रुकेंगे, कल वहाँ से निकल के फिर सीधे नागपुर जाए।
तो अभी मैं मंदसौर पहुंचने वाला हूँ, फिर मंदसौर से रामटेक, कल फिर सुबह निकलेंगे नागपुर के लिए। हवा इतना तेज़ चल रहा है, मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं पता नहीं, गाड़ियाँ भी बहुत रफ्तार हैं। नागपुर टू जबलपुर हाईवे है। मुझे ब्रिज के नीचे से जाना है। यहाँ से रामटेक 6 किलोमीटर दूर है, तुमसर 60 किलोमीटर है। मुझे रामटेक का मंदिर घूमना है, तो मुझे रामटेक जाना है। दोस्तों अभी मैं रामटेक में हूँ, आपने देखा ट्रैफिक बहुत है, वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिलता। अभी मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ और देखना है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है मंदिर और कितना दूर है। यहाँ से मेरे को अंदर जाना है राम मंदिर के लिए और टेक चखना पड़ेगा पूरा। ओ भाई, अभी ये पहाड़ी चखना है, बहुत खड़ाई चढ़ाई तो नहीं है उतनी, लेकिन हालत ख़राब होना है अब। हो रास्ता ऐसा है और ट्रैफिक भी बहुत है, कोई भी गाड़ी कभी भी आ जाती है, और ब्रेक मारने के बाद यार बहुत दिक्कत होती है साइकिल चलाने में। हो मंदिर, मढ़ मंदिर, यहाँ तिराहा मिला, ये एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मंदिर सीधा जाना चाहिए। राम मंदिर जाने पहाड़ी चढ़ रहा हूँ अभी मैं, और ये देखो इधर से सबसे ये आया हूँ और इधर जा रहा हूँ। हालत ख़राब हो गई है पसीने से, यहाँ तक लाया चलाते हुए, अब यहाँ से चला के नहीं हो रहा। चढ़ाई इतनी है, चला नहीं जा रहा है। ओ तेरी, लगता है मैं अब मंदिर पहुंच चुका हूं, क्योंकि पार्किंग तो दिखने लगी है लेकिन मंदिर नहीं दिखा अभी। ये रहा मंदिर इस साइड का, चलो पहले साइकिल अच्छी जगह लगाते फिर दिखाता हूं। तो भाई के दुकान के पास में ही मैंने अपनी साइकिल खड़ी की है, जो कि पूजा पाठ का सामान है इनके पास में। तो चलो मैं आता हूँ मंदिर से। ग्वालियर, तो यहाँ से मंदिर के ऊपर चल रहा हूँ मैं। मैंने अपनी साइकिल वहाँ खड़ी की है और इधर आया। इस साइड है मंदिर, राम मंदिर। घूमने के लिए प्लेस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, मज़ेदार। लाखों लोग आते हैं यहाँ पर, वो से भी आज रविवार है, स्कूल के बच्चे सभी लोग आए होंगे, छुट्टी है तो।
ये पूरा रामटेक शहर, और ये है यहाँ के व्यू। अब देखो भाई, घूम के बहुत हो गया, अब निकला जाए। वैसे यहाँ जान पहचान के लोग बहुत मिल रहे हैं, तो यहाँ से अब निकला जाए। अब तो फाइनली मैं अब अपनी साइकिल के पास आ गया घूम फिर के। बहुत खूबसूरत है घूमने के लिए, यही चप्पल रख के गया था और प्लस साइकिल। तो मंदिर देखने लायक का है, बहुत सुंदर है। रामटेक से समथिंग 2 किलोमीटर ऊपर पे है, और सो मैंने उतना ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं किया, मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बट आप देख लेना। तो चलो यहाँ से चलते अब सीधे रामटेक, नीचे उतरते। 3:30 बजे मैंने रामटेक से कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग में फंसाया था। और अभी मैं जो कि कामटी नागपुर के बाईपास में हूँ, मैं कामटी ना जाके बाईपास होते हुए भंडारा बाईपास में निकल रहा हूँ, जो कि फिर भंडारा बाईपास से मैं कल सीधे नागपुर के। मुझे रुकने का अब जगह देखना पड़ेगा, देखते हैं टोल टैक्स में पूछ के, अगर यहाँ पर हाँ बोल देते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कहीं पर भी टेंट लगा के तो सोना ही है। बट अच्छी जगह मिल जाए तो अच्छी बात है बोल रहा हूँ, देखते जगह। टोल टैक्स में पूछा मैंने, लेकिन मना कर दिए। कोई नहीं, देखते और आगे। पेट्रोल पंप है बहुत सही इधर आगे बाईपास में, तो पेट्रोल पंप में ही देखते। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि इतना ऑफ रोडिंग साइकिल चलाया ना मैंने आज, मत पूछो। क्योंकि रामटेक से जो मैं कामटी के लिए निकला था जो रास्ते से, वो रास्ता बहुत ख़राब था, हाथ बहुत दर्द हुए। तो अभी मैं हाईवे के किनारे में ही, ये जो कि भंडारा बाईपास है, और गांव का नाम क्या है? ये गांव का नाम है कापसी। कापसी, कापसी में भैया का एक ढाबा है। भैया क्या नाम है ढाबे का? बाजीराव साहू जी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इनसे पूछा कि मुझे खाना बनाना है करके। तो आज मैं भैया के ही ढाबे में रुकने वाला हूँ। तो भैया आपका नाम क्या है? रितेश बाजीराव। हाँ, तो सो कल फिर यहाँ से निकलेंगे जो कि नागपुर शहर के अंदर। तो आज का नाइट इस ढाबे में भैया के साथ पे। तो चलो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।